वेलकम स्टूडेंट्स, NMTC 2023 की सीरीज में मैं आज एक नया क्वेश्चन लेकर आया हूं। तो चलिए देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है। द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर n सच दैट 2015 टू द पावर n प्लस 2016 टू द पावर n प्लस 2017 टू द पावर n इज डिविजिबल बाय 10। तो वो लीस्ट n निकालना है जिससे कि ये जो पूरा नंबर है ये 10 से डिविजिबल हो जाए। ओके, अगर ये नंबर 10 से डिविजिबल है इसका मतलब इसका लास्ट डिजिट जीरो होना चाहिए, यानी कि यूनिट प्लेस की डिजिट जीरो होनी चाहिए। सबसे पहले 2015 को देखते हैं। जब भी किसी डिजिट के लास्ट में 5 होता है तो अगर हम उसको कुछ भी पावर कर लें, जैसे 5 स्क्वायर करेंगे तो 25 आएगा, 5 क्यूब करेंगे तो 125 आएगा, 5 टू पावर 4 करेंगे तो 625 आएगा। इस मतलब 5 का कोई भी पावर n कर लो आप, लास्ट डिजिट हमेशा 5 ही रहेगा। 2016 टू द पावर n, तो लास्ट डिजिट 6 है, 6 का पावर n करते हैं, 6 स्क्वायर करते हैं तो 36 आता है, 6 का क्यूब करेंगे आप तो 216 आएगा, 6 पावर 4 भी करेंगे तो लास्ट में वापस 6 ही आएगा। तो 2016 टू द पावर n, n की कोई भी वैल्यू हो इसकी लास्ट डिजिट 6 ही होती है। ओके, तो 2015 टू द पावर n, n की कुछ भी वैल्यू हो यूनिट प्लेस हमेशा 5 होगी। और 2016 टू द पावर n, n की कुछ भी वैल्यू हो ये लास्ट यूनिट डिजिट हमेशा 6 ही होगी। अब हम देखते हैं 7 टू द पावर n, 7 का पावर 1 करेंगे तो 7 आता है, 7 स्क्वायर इज बेसिकली 49, 7 का क्यूब जो होता है बेसिकली 343, तो यहां पे लास्ट 3 आ रहा है। अब 7 टू द पावर 4 करेंगे तो वापस से 1 रिपीट हो रहा है वापस से। तो ये क्या चलता है, 7 के जो पावर्स होते हैं उसके यूनिट डिजिट्स क्या आते हैं, 7 9 3 1 7 9 3 1, ऐसे यूनिट डिजिट 7 के रिपीट होते जाएंगे अलग अलग वैल्यू ऑफ n के लिए। हमारे को यहाँ पे जब 17 टू पावर n करेंगे तो यूनिट डिजिट क्या होना चाहिए, अगर नंबर 9 से डिविजिबल है तो हमारे को इस सम का यूनिट डिजिट चाहिए 0। हमारे को क्या चाहिए, 0 चाहिए इसका यूनिट डिजिट। 5 प्लस 6 11 होता है, तो अगर ये 9 हो जाएगा तो यहां पे 0 हो जाएगा और यहां पे मैंने ये कर लिया, इसको वापस से ठीक कर लेता हूं मैं। तो 9 यूनिट डिजिट में कब आता है n के लिए, n की वैल्यू 2 के लिए, 2 के बाद वापस से रिपीट होगा 1 2 3 4 5 6, n इज टू 6 पे भी वापस 9 आएगा, लेकिन हम n इज टू 2 क्योंकि हमारे को लीस्ट इंटीजर चाहिए पॉजिटिव इंटीजर, यानी कि व्हेन n इज टू 2 देन 2015 स्क्वायर प्लस 2016 स्क्वायर प्लस 2017 स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 10। समझ में आ गया, होप यू लाइक द क्वेश्चन। वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस सीरीज में मैं और भी अच्छे क्वेश्चन लेकर आऊंगा। थैंक यू।